बच्चों आज हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन की समरी तैयार करते हैं, ठीक है? फॉर द ऑब्जेक्टिव पेपर समरी की फॉर्म में तैयार करेंगे। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। इंट्रोडक्शन में हमें कुछ मेडिसिंस के नाम दिए गए हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकती हैं, जैसे एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, आपको याद भी आ रहे होंगे हमने करे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्लोरम फेनिकॉल है बेटा, और ये एक ही मतलब सेम मेडिसिन कैन बी यूज फॉर द वेरियस डिफरेंट टारगेट, जैसे टाइफाइड में, फीवर में, ठीक है, एक्यूट फीवर होता है तो उसमें एक ही मेडिसिन मगर कई सारे अगर उसके टारगेट्स टाइप ले लिए जाए देन इट इज कंसिडर्ड एज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिसमें क्लोरम फेनिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइफाइड, फीवर, इसमें ये सब में काम आती है। उसके अलावा एक टर्म आता है आपका हेलोथेन। हेलोथेन्स वो है जो एनेस्थेटिक में आते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। फिर मलेरिया के ट्रीटमेंट में, मलेरिया का अगर ट्रीटमेंट करना हो तो उसमें भी हमारे यूज में आते हैं क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे प्रिमकुनीन, क्लोरोकुनीन वगैरह, ये आपके इसके ट्रीटमेंट में काम आते हैं मलेरिया में, ठीक है। एंड देन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें, हार्मोन थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन हार्मोन के वर्किंग के लिए आयोडीन की आपको पता है इंपॉर्टेंस होती है, और अगर आयोडीन कम रह जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है, गोइटर। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो ध्यान रखना बेटा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में दी हुई है, ना आए तो ना सही मगर आ जाए तो आपको थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर रहना है। देन कमिंग टू द सेकेंड हेडिंग जो एल्कोहल फिनॉल और इसमें दोनों में बिल्कुल सेम चलती है, दैट इज द क्लासिफिकेशन पार्ट। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ हेलोजन से, कितने कितने हेलोजन प्रेजेंट है, तो ए पार्ट आता है आपका मोनो, जिसमें एक हेलोजन है, जैसे मैंने कार्बन कंटेनिंग लिया, चाहे कितने भी कार्बन है मगर हेलोजन एक है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है डाईहेलो, डाईहेलो में कार्बन के ऊपर कहीं भी दो एक्स प्रेजेंट है, चाहे एडजेसेंट हो चाहे एक ही पे हो। और सी कैटेगरी आती है ट्राईहेलो, पॉलीहेलो, इस तरह से जहां आप लगातार या कहीं भी तीन हेलोजन या फिर ज्यादा हेलोजन को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ चेन पे ही होगी, ये बात रिंग पे भी होगी। मैंने एच नहीं बनाए, एच जरूर याद रखिएगा कि बनाने हैं। एरोमेटिक में मोनो, एरोमेटिक में डाई और एरोमेटिक में पॉली या ट्राई भी आप ले सकते हैं। ये अरेंजमेंट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट कहलाता है जो मैंने अभी बनाया है। तो दिस वॉज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन आपका आता है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जो हेलोजन से जुड़ा है, और इस केस में तीन फॉर्मेशन हो सकते हैं कार्बन sp3 के जो हेलोजन से जुड़ा है। कौन से तीन है? फर्स्ट इसमें आता है आपका एल्काइल हैलाइड कार्बन, जिसके एक तरफ कार्बन और यहाँ पर हेलोजन, दिस इज sp3, देख पा रहे हो आप चारों डायरेक्शन है, इट इज sp3 बट कंसिडर्ड एज 1 डिग्री। अगर बच्चों दो तरफ कार्बन आ जाए तो 2 डिग्री, और अगर तीनों तरफ कार्बन आ जाए तो आप इसे नाम क्या देंगे, 3 डिग्री। सेकेंड कैटेगरी होती है बेंजाइल की। बेंजाइल हैलाइड क्या हुए? बेंजीन रिंग, ऊपर CH2 और X। तो अगर ये इस तरह का फॉर्मेशन है जहां एक तरफ कार्बन है तो ये बेंजाइल का 1 डिग्री। ये सब नाम आपको नेम रिएक्शंस में जरूरी पता होने चाहिए। दिस इज बेंजाइल का 2 डिग्री, एक तरफ R है एक तरफ कार्बन है, और बेंजाइल का 3 डिग्री कौन सा होगा, यहाँ पे कार्बन और इसके दोनों तरफ R और एक तरफ X, तो अब 2 R हो गए, एक तरफ C हो गया, सो इट बिकम्स 3 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइज। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज अलाइल। अलाइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सैंपल पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, इस तरह का अगर अरेन्जमेंट है देन यू कॉल्ड इट एज अलाइल। अलाइल की 1 डिग्री कैसे है, इस सी पे देखिए जिसपे एक्स है, इसके एक ही साइड कार्बन है सो इट इज अलाइल 1 डिग्री। अगर इसके दो तरफ कार्बन आ जाए, जैसे यहां भी मैं R लगा दू तो ये अलाइल की 2 डिग्री, और अगर इसके मैं तीनों तरफ लगा दू, अलाइल लिंकेज चेंज नहीं करिएगा, अलाइल कार्बन पे नंबर ऑफ कार्बन कंटेंट चेंज कर रहे हैं हम। अब इसी कार्बन को देखिए बेटा, 1 डिग्री जब एक ही तरफ कार्बन है, 2 डिग्री जब एक तरफ R और एक तरफ कार्बन है,
थ्री डिग्री जब दो तरफ आर और एक तरफ कार्बन है। आर का मतलब सब समझ पा रहे होंगे, आर एल्काइल ग्रुप को कहा जाता है, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। और ये कैसे बनता है, जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन, बीच में डाउट हो तो बताते चलना। थर्ड क्लासिफिकेशन, कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इस तरह से, जिसमें दो ही फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। एक है विनाइल, जहां पे सी डबल बॉन्ड सी और आगे हेलोजन होता है, इसमें डिग्रीज नहीं होती, ठीक है। और दूसरा होता है अराइल या फिनाइल। अराइल या फिनाइल किसके लिए यूज हो रहा है, जब हम बेंजीन में से एक एच कम कर दें और उसकी जगह एक्स लगा दें। अब अगर आप इस कार्बन को गौर से देखें जिसपे एक्स लगा है, इसके सिर्फ ये तीन डायरेक्शन है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है बेंजीन के केस में, इट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इन केसेस में डिग्रीज नहीं बोली जाती, दे आर डायरेक्टली विनाइल और अराइल। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, चैप्टर की थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर दो तरह से हम करवाते हैं, एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम में आपको कौन से नाम जानने जरूरी हैं, जैसे एन आइसो न्यू, तो हर एक का एक एक एग्जाम्पल लेके साथ में चलते हैं। कॉमन एंड देन आईयूपैक। आईयूपैक आपका चलता है रूल से, जिनमें क्या रूल आपको ध्यान रखने होते हैं, लॉन्ग चेन, ठीक है, लोअर नंबर टू एक्स, हेलोजन को छोटा नंबर देने की कोशिश करिए, फंक्शनल ग्रुप है, लोएस्ट सम रूल का ध्यान रखिए। लोएस्ट सम रूल यानी कि ज्यादा ब्रांच है तो उनके टोटल को ध्यान रखिए कि छोटा आए। और अगर सब कुछ आपका सेट हो जाए तो नाम देते हुए किसको फॉलो करिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बहुत छोटी छोटी बातें प्रैक्टिस करते करते अभी आप सीख जाओगे। एन ब्यूटाइल आयोडाइड, मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा एन ब्यूटाइल आयोडाइड, हर एक का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। एन होती है सीधी चेन, मैंने लिखा ब्यूटाइल, चार कार्बन और एक पे लगा दिया आई, दिस इज एन ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। तो इसका आयुपैक दें साथ में, क्या हो जाएगा इसका आयुपैक, वन आयोडो ब्यूटेन, वेरी गुड, इट इज वन आयोडो ब्यूटेन। दूसरे पे हम आते हैं इसी तरह से, एन के बाद आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड, मैं एक ही तरह के सारे ले लेती हूँ। आइसो मतलब सेकेंड कार्बन पे एक CH3, टोटल है फोर एंड देन इट इज आयोडाइड। अब आपने टोटल को देखना है बेटा, 1 2, ये है M से मिथाइल और ये है आयोडो आई। अल्फाबेट्स को रिवाइज करते हुए नाम देंगे। अब नाम इसका क्या हो गया, आयोडो पहले बुलाए या मिथाइल, ऐसा नहीं सोचिएगा कि वन पे आयोडो है तो पहले से अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ तो आई ही पहले आ गया, वन आयोडो टू मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेक ब्यूटाइल। सेक इज सेकेंडरी, जहां पे हम टर्म यूज करते हैं ऐसा कार्बन जिसके दोनों तरफ कार्बन, सेक ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। तो फोर ले लिए, एक कार्बन लिया जिसके दोनों तरफ कार्बन है और इस पे आई लगा दिया, इट इज सेक ब्यूटाइल आयोडाइड। नाम देना बहुत आसान है इसका, टू आयोडो ब्यूटेन। डिग्री भी पूछ सकते हैं, नाम भी पूछ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड। टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्ट एक ऐसा कार्बन, सेकेंड कार्बन जिसके दो तरफ CH3 है, ये रहा और इस पे मैंने आई लगा दिया, कम से कम चार कार्बन होने चाहिए, गिविंग द लोएस्ट नंबर, लॉन्ग चेन सबको ध्यान रखा, दिस इज आयोडो, दिस इज M, मिथाइल। नाम क्या बन गया इसका, टू पे ही आयोडो है, टू आयोडो टू मिथाइल, देन वी विल कॉल इट एज प्रोपेन, टू आयोडो टू मिथाइल प्रोपेन। लास्ट कॉमन नेम जिसपे हम आते हैं, दिस इज नियो। नियो कम से कम पांच के लिए होता है, नियो पेंटाइल आयोडाइड। नियो एक कार्बन, इसके चारों तरफ कार्बन, टोटल हो गए 5, नियो पेंटाइल एंड देन आयोडाइड। चलते हैं नंबर देने, 1 2 3, 2 पे दो बार बेटा मिथाइल है और 1 पे आयोडो है, पहले आयोडो बुलाया, सॉरी 1 आयोडो, 1 कहे या नहीं कहे बस आदत में है इसलिए, 1 आयोडो 2 2, दो बार है तो डाइमिथाइल एंड देन इट इज प्रोपेन। फिर चले विसिनल। विसिनल, विसिनल कौन होते हैं, दिखा दीजिए।
सो इट बिकम्स वन आयोडो टू टू डायमिथाइल प्रोपेन. फिर हम आगे बेटा विसिनल पे, विसिनल डाइहेलाइड क्या होता है. विसिनल होते हैं जब लगातार पे एक्स लग गया, जैसे मान लो ये है क्लोरो ब्रोमो कोई भी ले लिया आपने लगातार पे, तो मैं कहूंगी वन टू डायहेलो, वन टू दो बार आ गया ना लगातार और दो बार है तो आपने इसे डाय बुला लिया. वन टू डायहेलो, अगर ये इथेन है तो इथेन बुला लिया, वन टू डायहेलो इथेन. इसे विसिनल डायहेलाइड भी कहा जाता है, कॉमन नेमिंग है. और टू कार्बन के लिए मैं इसको देऊंगी नाम इथाइलीन. जरा ध्यान से सुनना बेटा, इथाइलीन डाइहेलाइड. क्लोरीन हो तो क्लोराइड कह दो, इथाइलीन नाम देने का तरीका सुनना, इथाइलीन डाइहेलाइड. इन के बाद डाई है, ठीक है. मगर यही अगर मैं सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन लगा दू, मान लीजिए इस तरह से कर दिया है, ये भी टू कार्बन का, इट इज कॉल्ड जेमिनल, जेमिनल डाइहेलाइड. कॉमन में इसे जेम कहते हैं, अगर एक ही कार्बन पे दोनों आ जाए, जेमिनल डाइहेलाइड. इसको किस तरह से बुलाएंगे, आप इसे कहेंगे वन वन डाइहेलो इथेन, एक ही पे है ना दोनों. या आप इसे दूसरा नाम जो देंगे इथाइलीडीन, नाम देना सुनना बेटा ध्यान से, इथाइलीडीन हेलाइड. अब यहाँ डाइहेलाइड नहीं बोल रहे हैं, इथाइलीडीन. तो जेम में इस तरह से नाम देते हैं, जबकि विस में लीन के बाद डाई बोला जाता है, इसमें डाई नहीं बोला जाता है, इथाइलीडीन. तो नेमिंग थोड़ा सा गौर रखना कि देखो कहाँ पे फर्क है. अब अगर मैं यहीं पे आपको कह देती विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एल, ठीक है. तो यहां से नंबर करा इसको, ठीक है. अब नाम क्या बन गया इसका, वन क्लोरो इथीन, विनाइल क्लोराइड. मगर इसके बाद ही नाम दिया मैंने एलाइल क्लोराइड, एलाइल सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और उसके आगे सी एल. अब नाम देते हुए बच्चा सोच रहा है फंक्शनल ग्रुप तो सीएल है, उसको प्रेफरेंस दे. नहीं बच्चों, जब डबल बॉन्ड और सीएल होता है तो डबल बॉन्ड गेट द प्रेफरेंस. सो डबल बॉन्ड और सीएल में इस केस में तो क्या नाम बना, थ्री क्लोरो प्रोपीन. तो ये कुछ ऐसे कॉमन नेम है जो आपको बार बार जरूरत पड़ते हैं, कॉमन टू आईयूपैक, आईयूपैक टू कॉमन, या कन्वर्जेंस में इनकी हमें हेल्प चाहिए होती है. अब इसी के बाद मैं आ रही हूँ चैप्टर के फोर्थ टॉपिक पे. फोर्थ टॉपिक इस चैप्टर का हमारा आ रहा है आइसोमेरिज्म. नॉट अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग गिवन इन एनसीईआरटी, मैं सारे टॉपिक्स की बात कर रही हूँ. आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बनाते हुए आपको आइसोमर्स, उनकी डिग्री, बॉन्ड लाइन, इस तरह की चीजों का ध्यान रखना है. जैसे कुछ चीजें तो डायरेक्टली ही याद कर लेते हैं, जैसे C5H11Br जो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें 8 स्ट्रक्चर्स बनते हैं. तो ऑब्जेक्टिव पेपर में बनाने के लिए तो नहीं आ सकते कि मतलब इस तरह की चीज, मगर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. डिग्री पूछी जा सकती है किसी स्ट्रक्चर को देके, है ना, कि उसका ये वाला नाम है 2-bromo-2-methyl-butane, बताओ ये कौन सी डिग्री का है. तो आइसोमेरिज्म टॉपिक ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन पूछे जा सकते हैं. फिर फिफ्थ जो इसमें आता है एनसीईआरटी में, एक क्वेश्चन C5H11Br का है आइसोमेरिज्म पे बेस्ड सॉल्ट में, और बैक एक्सरसाइज में C4H9Br का है, ठीक है. फिफ्थ टॉपिक यहीं पे बॉन्ड लाइन जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि बॉन्ड लाइन के क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस जाते हो. मान लो ये वाली एक शेप दे दी, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूं, ये एक शेप दे दी आपको बॉन्ड लाइन में. अब आपको इसका आईयूपैक नाम देना है, प्रेफरेंस का ध्यान रखेंगे कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस है, ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी हमारी जरूरत है यहाँ पे. मगर हो सके तो बीआर भी अगर पास आ जाए तो अच्छी बात है. ज्यादातर हम ये चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमने छोटा नंबर दे दिया. तो अब नंबर क्या बना इसका, 4-bromo, ठीक है, पेंट लॉन्ग चेन पेंट 2-ene. तो बॉन्ड लाइन जरूरी नहीं है ऊपर से शुरू हो बेटा, हमेशा ऊपर से ही शुरू होने वाले स्ट्रक्चर थोड़ी दिए जाएंगे, अलग भी फॉर्मेशन हो सकती है. जैसे अब जो मैं ड्रॉ कर रही हूं इसको देखना ध्यान से, बिल्कुल ऊपर जैसा ही बना हुआ है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड, थोड़ा सा ग्रुप इधर उधर कर दिए है मैंने,
एच एच और बी आर. अब आपने जल्दी में वही नेमिंग देने का तरीका शुरू करा. वन टू थ्री फोर, फोर पे ब्रोमो आ रहा है और टू पे इन आ रहा है. मगर इसी को अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं, वन टू थ्री फोर, तो इस तरह से ब्रोमो तो वन पे आ गया मगर इन तो अभी भी टू पे है. हम ब्लू वाली लाइनिंग यूज करें तो टू पे इन है और फोर पे ब्रोमो है. मगर हम रेड वाले नंबरों को अगर फॉलो करें तो वन पे ब्रोमो है और टू पे इन है. तो ज्यादा आसान क्या है, वन ब्रोमो, क्योंकि इन तो अपनी जगह पे दोनों ही तरफ से टू पे आ रहा है. तो नाम बना इसका वन ब्रोमो टू मिथाइल, टू पे मिथाइल भी बैठा है, वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूट वन इन. तो बॉन्ड लाइन कई बार बने ऐसे होते हैं कि देख के अंदाज नहीं होता, तो टोटल वगैरह का ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ से अगर पॉसिबल हो तो फंक्शनल और डबल बॉन्ड दोनों को ही स्मॉलर पोजिशन मिल जाए. नेक्स्ट हमारे जो नेक्स्ट नंबर आता है, इसे सिक्स नंबर दे रही हूं मैं बुक के अपने पढ़ाने के अकॉर्डिंग, दैट इज नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड. नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, बच्चों बॉन्ड लेंथ नीचे जाके बढ़ती जाती है. अगर हम सेम टाइप लेके चल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप एक्स लेके चल रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए नीचे जाके बॉन्ड लेंथ हमेशा बढ़ती जाती है, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो हमने देखा नीचे जाके बॉन्ड लेंथ बढ़ गई. तो ये तो जनरल बात है, नीचे जाके क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, नीचे जाके बॉन्ड एनर्जी, तोड़ना आसान हो गया बेटा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस. मगर इस पे से जो क्वेश्चन बनेगा वो इतना आसान नहीं कि बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है या बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है. इसका क्वेश्चन आता है डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट किसकी ज्यादा है. हमें याद नहीं करनी, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, तुम देखोगे कि हाँ भाई थोड़ा सा तुम्हें फर्क नजर आ रहा होगा. दिस इज 1.86, इट इज 1.83 एंड 1.63. तो अब अगर आप देखिए अचानक से सीसीएल की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, वो डायपोल मूवमेंट बढ़ गई, तो हमने फॉर्मूला सिखाया था डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. तो सीसीएल में चार्ज तो थोड़ा सा कम हुआ मगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ने की वजह से इसकी डायपोल मूवमेंट सीएफ के मुकाबले ज्यादा हो जाती है. बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ सी एंड बी आर. बॉन्ड लेंथ तो बढ़ गई मगर चार्ज बहुत ज्यादा कम हो गया था, तो इसीलिए दोनों के मल्टीपल में डिफरेंस देखो, ऊपर का है 1.86 और इसका है 1.83. तो ये क्वेश्चन आपका पहले रीजनिंग के टर्म्स में आता था. तो नेचर ऑफ सी एक्स में से अगर कुछ पढ़ने लायक खास बात है वो है उसका डायपोल मूवमेंट का वेरिएशन पढ़ना. फिर सेवेंथ टॉपिक हमारा प्रिपरेशन पे बेस्ड है. प्रिपरेशन में से आप लोगों ने देखा होगा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कौन सी अच्छी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है. तो प्रिपरेशन अल्कोहल और फिनॉल की एक संगी कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट प्रिपरेशन हमारी जो आती है वो थी अल्कोहल से, जिनमें सबसे अच्छा मेथड पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बढ़िया मेथड कौन है. शुरुआत करें तो पहला मेथड था हमारा अल्कोहल पे ल्यूकास. द सेम मेथड वी हैव डन इन केस ऑफ अल्कोहल फिनॉल चैप्टर, जहां पे हमें पता है 3 डिग्री सबसे जल्दी काम करता है, फिर 2 डिग्री और सबसे बेकार है 1 डिग्री. और इसकी वजह हमने पढ़ी थी कि यहाँ के OH को हटाना, 3 डिग्री के OH को हटाना बहुत आसान है, क्योंकि 3 डिग्री वाले अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं, कार्बोकेटाइन. तो इनकी रिएक्शन सबसे जल्दी होती है, बनता क्या है RX प्लस वॉटर. 1 डिग्री वाले रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देते हैं. अब ल्यूकास रिएजेंट है कौन, अगर ल्यूकास रिएजेंट की बात करें तो ZnCl2 प्लस HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl को हम नाम एक संख्या बुलाते हैं ल्यूकास रिएजेंट. एल्कोहल में बनाने का सेकेंड मेथड था ROH पे SOCl2, जो बेस्ट मेथड में काउंट होता है क्योंकि इससे बनता है RCl और बची हुई चीजें गैसियस हैं, वोलेटाइल हैं, जिसकी वजह से हमारा काम और आसान हो जाता है. अल्कोहल से ही RX बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो PCl3, उस केस में आपको अल्कोहल थ्राइस लेना पड़ता है, 3RCl और साथ में H3PO3. अगर आप ROH PCl5 के संग लेंगे देन इन दैट केस यू विल बी गेटिंग RCl प्लस POCl3 प्लस साथ में HCl. अधिकतर मेजर प्रोडक्ट की ही बात होती है,
मगर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल पेपर में ग्रुप 16 में इस तरह का आया हुआ है कि ओजोन विद KI क्या देता है. तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, ये याद रखते थे ओजोन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि वो खुद को O2 बना लेगा और आयोडाइड को आयोडीन बना देगा. मगर उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट मेन प्रोडक्ट के बारे में नहीं दिया, उसमें दिया हुआ है कि ये K के प्रोडक्ट क्या बना, K का प्रोडक्ट क्या बना, दैट इज KOH. OH नेगेटिव दिखाया हुआ था रिएक्शन में NCERT में. तो हमें और चीजों का पता होना इसलिए जरूरी है कि कई बार इनके अलावा क्या बना पूछ लिया जाए. तो एक बार आपको ध्यान हो, नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ भाई ये भी रिएक्शन में प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो माइनर ही हो. फिर हमने पढ़ा था ROH में अगर हम यूज करें NaBr प्लस H2SO4 तो ये HBr बना देता है, जिससे हमें RBr का फॉर्मेशन मिल जाएगा. मगर इसी तरह से अगर आप आई लाने की सोचे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती. इंटेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का, NCERT में इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1.2 इंटेक्स्ट 10.2 इंटेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर मैं इसी तरह से आई लाना चाहूं तो क्यों नहीं आता, क्योंकि H2SO4 को हम क्या नाम देते हैं, H2SO4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और अगर मैं इस वक्त KI प्लस H2SO4 यूज करूंगी तो ये रिएक्शन में आपको RI नहीं मिलेगा, क्योंकि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो HI बना के मतलब HI से I2 वाले कन्वर्जन में ले जाता है. तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, NaI या KI विद H3PO4. अगर आप H3PO4 का इस्तेमाल करेंगे NaI या KI के संग, देन इन दैट केस यू विल बी गेटिंग RI. एल्कोहल से बनाने का एक लास्ट मेथड भी है जिसमें हम यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस साथ में हेलोजन, और ये हेलोजन कौन होगा, या तो BR या फिर I, क्योंकि PBr3, PI3, या PBr5, PI5 ये बने बनाए नहीं होते, इनकी रिएक्शंस इन सीटू होती है, विद इन द कंटेनर ही कराई जाती हैं. तो ये RBr या फिर RI बना देगा. मेन सबसे है अल्कोहल से RI की प्रिपरेशन, और ये फायदे का प्रोसेस है बेटा, क्योंकि अल्कोहल चैप्टर में आपको ये सारी फिर पढ़नी नहीं पड़ती अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी ये पढ़ ली है. फिर सेकंड प्रिपरेशन पे आए, इसी हेडिंग की सेकंड प्रिपरेशन, दैट इज बाय फ्री रेडिकल, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. ये वाली सारी अल्कोहल की है, ऑल आर इन NCERT, मगर मेथड बस पता हो. ठीक है बेटा, ठीक है. अब आई विल शेयर ऑल दीज नोट्स लेटर ऑन, पहले एक बार अच्छे से सीख लो, ठीक है. फिर अगला आता है बेटा बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हमें 11th अगर याद है तो वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये प्रोसेस पढ़ा था कि अच्छा नहीं है, क्योंकि बनाने एक प्रोडक्ट चलते और बन जाते हैं बहुत सारे. तो सनलाइट क्या करती है, फ्री रेडिकल जनरेट करा देती है. मान लो आपने ब्यूटेन ही लिया, यू हैव टेकन ब्यूटेन, आपने क्लोरीन डाली इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या हीट, ये भी यूज कर सकते हैं, तो आपको एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, यू विल बी गेटिंग 1 क्लोरो, यू विल बी गेटिंग 2 क्लोरो, और भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और ऐसे ही नहीं यही मिले, बहुत कुछ बन सकता है. तो बनाने एक चलते बनते बहुत सारे हैं, तो हमारे हिसाब से अच्छे प्रोसेस में नहीं है. इसी तरह के सॉल्ट एग्जाम्पल भी है आपके. ये था एल्केन से बनाने के लिए, अब चलते हैं एल्कीन से बनाने के लिए. एल्कीन अगर आपने लिए, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और आपने इसके ऊपर एड करा दिया HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है. तो नेगेटिव वाला हिस्सा कम वाले पे चला गया, आपको मिल गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. मगर आपने HBr डाला परऑक्साइड के संग, कौन सा रूल हो गया ये, एंटी मार्कोनिकोफ रूल. और इस केस में आपको मिल गया CH3 CH2 CH2Br, क्योंकि नेगेटिव वाला जाएगा ज्यादा वाले पे, ज्यादा जिसके पास हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड वाले पे. अगर आपने ब्रोमीन इन CCl4 लिया, देन इन दैट केस यू विल बी गेटिंग विसिनल ब्रोमाइड, विसिनल डायब्रोमाइड. और इस रिएक्शन की खास बात यह, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन में काम आती है. ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है यहाँ पे क्या हो जाता है, डीकलराइज. अगर बच्चों ब्रोमीन का भूरा रंग उड़ जाए तो आप ये मान लो कि आपने कोई अनसेचुरेटेड लिंकेज के ऊपर हेलोजिनेशन कराया है. फोर्थ प्रिपरेशन आते हैं, फोर्थ इज हैलाइड एक्सचेंज. बहुत ही प्यारा तरीका है आपके बने बनाए ग्रुप में चेंज लाने के लिए. आपने लिया RX, X यहाँ पे CL या BR है,
और आपने इसके ऊपर यूज करा NaI इन ड्राई एसीटोन. अगर आपने NaI इन ड्राई एसीटोन यूज करा तो ये रिएक्शन फिनकलस्टीन के नाम से जानी जाती है. आपको RI और साथ में NaX मिल जाएगा. यहाँ पे पूछ सकते हैं ड्राई एसीटोन का मेन फंक्शन क्या है. ड्राई एसीटोन का मेन फंक्शन क्या है, ये NaX जो आपका बना है उसके प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ NaX. तो इस तरह से रिएक्शन फॉरवर्ड में ही चलती रहेगी, NaX को एब्जॉर्ब करा लिया जाएगा. मगर अगर आपने F लाना है, RF लाना है, तो आपको या तो यूज करना पड़ेगा AgF या Hg2F2 या फिर COF2 या SbF3 फ्लोरीन के लिए. अगर आप X की जगह F लाना चाहते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट रिएक्शन और आपको RF मिल जाएगा. तो मेटेलिक फ्लोराइड्स की प्रेजेंस में होती है. ये तो हो गए हमारे बच्चों तरीके जिससे हम एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं. अब इसी में अगर हम बेंजीन के ऊपर लाना चाह रहे हैं तो रिएक्शन कौन सी होंगी, फ्री रेडिकल होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक होंगी, क्योंकि कई क्वेश्चन आप देख रहे हो उनमें आपको टाइप ऑफ रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना है. तो हम आते हैं नेक्स्ट जो रिंग के ऊपर काम करेगी वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ई पॉजिटिव आता है और वो किसी भी एच पॉजिटिव को यहाँ से जो पॉजिटिव नेचर का है उसको हटवाएगा. जैसे अगर मैंने ले लिया टोलुइन, तो ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन को बढ़वा देगा. अब मैंने यहाँ पे हेलोजन डाला, आयरन और डार्क कंडीशन यूज करी, ऐसे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा ऑर्थो और पैरा पे, और आपको हेलोजन एक बार ऑर्थो पे मिल गया और एक बार पैरा पे, क्योंकि हेलोजन आई की प्रेजेंस में, एफ की प्रेजेंस में, या हम पहले एनहाइड्रस ClCl3 वगैरह भी लिखते थे, उनकी प्रेजेंस में ये एक्स पॉजिटिव को जनरेट करवाते हैं, पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल. और हम जानते हैं ऑर्थो और पैरा पे माइनस का साइन है, तो अगर ऑर्थो पैरा पे माइनस है तो ई पॉजिटिव का अटैक कहाँ पे होगा, ऑर्थो या पैरा पे. और पैरा कैसा होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी. अब इसी में अगर आपने ये काम डायजोटाइजेशन से कराना है, क्या प्रोसेस था डायजोटाइजेशन, एनिलीन ली, NaNO2 प्लस साथ में HCl, या फिर मैंने ले लिया HNO2. कंडीशन रखी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस. बच्चों सेल्सियस है, केल्विन में दे दे तो घबराया मत करो. ये पहले स्टेप में बना देगा डाइजोनियम N2 प्लस Cl- जिसे हम बेंजीन डाइजोनियम हेलाइट कहते हैं. जैसे बेंजीन डाइजोनियम हेलाइट मिले आप इस पे Cu2X2 इन प्रेजेंस ऑफ HX ले लीजिए, जहां X या तो Cl है या फिर Br है. आपको साथ में मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर X यानी कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, और नाइट्रोजन इवॉल्व बबल आउट हो जाएगी. इस रिएक्शन का पहला स्टेप कहलाता है डायएजोटाइजेशन, और वैसे कंप्लीट रिएक्शन कहलाती है सैंडमेयर रिएक्शन. ठीक है, अब सैंडमेयर रिएक्शन तो Cl या Br को ले आती है, मगर आप चाहते हैं कि I आ जाए तो वो सैंडमेयर नहीं होगी, आप Ki डाल के I को ला सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं F आ जाए तो आप HBF4 हीट ये सब यूज कर सकते हैं. ऑलरेडी इट इज नॉट गिवन इन दिस चैप्टर, ये अमीन चैप्टर के संग पढ़ाई जाती है. तो फ्लोरोबेंजीन भी बन सकता है. ऐसा ही नहीं है कि यही मेथड है, एक मेथड आता है गेटरमैन रिएक्शन. इन गेटरमैन रिएक्शन फर्क क्या है बेटा, कॉपर का पाउडर विद HX होता है, तो उसमें बेंजीन रिंग के ऊपर X आ जाएगा, और ये X यहाँ पे कौन हो सकता है, या तो Cl या Br. जब हम सैंडमेयर की बात कर रहे हैं तो सैंडमेयर का एक एक्सटेंशन और भी है. वो क्या रिएक्शन है जो हमारे को कॉपी में, मतलब बैक एक्सरसाइज में जरूरत होती है, CuCN विद KCN, ये भी सैंडमेयर ही कहलाती है. इसमें बेंजीन के ऊपर डाइजोनियम हट जाता है N2 प्लस Cl- और यहाँ पे CN आ जाता है. अब आपके मतलब की रिएक्शन, ये CN आने से क्या होगा, अगर आप इस CN को इस्तेमाल कन्वर्जन में कर रहे हैं तो अगर आप इस पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बेंजीन के ऊपर COOH यानी कि बेंजोइक एसिड बनवा देगा. ये कन्वर्जन्स में आता है ABCD करके दिया हुआ. अगर आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं थोड़ा पानी,
तो ये अमाइड बन जाएगा बेंजामाइड, ठीक है। और अगर आप इसका रिडक्शन करा दें CN वाले का, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ गया CH2 NH2, दिस बिकम्स अमीन। तो ये आपके कन्वर्जन में हेल्प करेगा टॉपिक। CN डायरेक्टली नहीं है, मगर CN पे बेस्ड आपके कन्वर्जन बहुत अच्छे बनते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट। इसको करते हुए अगर आप NCERT के क्वेश्चन नंबर 10.2 से 10.5 रिवाइज करें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, दे आर अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव पेपर ऑल्सो। फिर चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाते हुए हमने आपको कई बार बताया कि मेन चलते हैं बॉइलिंग, सॉलिबिलिटी, यही क्वेश्चन हमारे इस पे बेस्ड आते हैं। कलर वगैरह पे भी फॉर्मेशन के पूछे जा सकते हैं, मगर मेन है जैसे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन में ध्यान रखना बच्चों, अगर मैंने सेम लिया जैसे RF, RCL, RBR और RI, कीपिंग द R सेम, आप क्या सोचते हो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो जो जितना भारी है, यानी कि RI, RBR, RCL और RF। मगर मान लीजिए मैंने कार्बन पार्ट बदल दिया और सेम हैलोजन यूज कर लिए, आइसोमर्स बना लिए, जैसे हमने लिए ये 4 कार्बन फर्स्ट पे CN, 4 कार्बन सेकंड पे CN और 4 कार्बन इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब हमने पूछा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो जिसका ज्यादा सरफेस एरिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट इसी में, अब तो रीजनिंग तो नहीं लिखनी, मेथड सिर्फ पता हो आपको। अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी बेंजीन रिलेटेड के ऊपर, तो बेंजीन रिलेटेड में इनमें बॉइलिंग में कोई खास फर्क नहीं होता, बॉइलिंग में कोई खास फर्क नहीं होता। इसमें आप ये ले लो 3, ठीक है, हमने डाई हेलो ले लिए, ओके। तो अगर हम बॉइलिंग में इनका डिफरेंस देखते हैं तो बहुत ही मामूली सा फर्क है। इसमें 453 केल्विन होता है, मेटा में 446 और यहाँ पर 448। मगर क्वेश्चन बेटा अधिकतर जो डाई हेलो का आता है वो बेस्ड बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आता, वो आता है मेल्टिंग पे। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो मेल्टिंग पॉइंट हमने पहले डाई हेलो पैरा लिया, ये वाला ले लिया जहां एक्स को मान लो मैं सीएल लेती हूँ, तो पैरा का होता है 323, इस पे बेस्ड मेल्टिंग पे ही आएगा। हमने मेटा लिया, मेटा के केस में मेल्टिंग होता है 249, और जबकि ऑर्थो लिया, इन केस ऑफ ऑर्थो इट इज 256। तो हमेशा याद रखना है ना, मेल्टिंग में क्या चल रहा है, पहले पैरा मोस्ट स्टेबल, देन ऑर्थो, और उसके बाद हमारा कौन आता है, मेटा वाला। तो अगर आप बेंजीन रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग को गौर करिएगा, और अगर आप एल्काइल पे पढ़ रहे हैं तो मेथड बिल्कुल सिंपल है, मोलर मास से चलिए, सरफेस एरिया से चलिए, ठीक है। अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा इनमें। फिर नेक्स्ट इसी में आपके दे रखा है सॉलिबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक टर्म सॉलिबिलिटी भी है, तो उसमें NCERT के क्वेश्चन में ही है, एल्काइल हैलाइड ऑल्दो पोलर येट इमिसिबल, ये पोलर है फिर भी पानी पोलर में नहीं घुल पाते। बहुत सिंपल सी बात है, पुराने बॉन्ड के टूटने से उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि वो नए बॉन्ड अच्छे से बना पाए, लेस एनर्जी इज रिलीज। तो इनकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है, वेरी स्लाइटली सॉलिबल, और वो भी छोटे छोटे वाले बहुत स्लाइटली सॉलिबल है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। बड़े एल्काइल ग्रुप कैसे घुलेंगे, और प्रीवियस के बॉन्ड टूटने से उतनी एनर्जी ही रिलीज नहीं हुई कि नए बॉन्ड बन पाते। तो दो चीजें जो बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, वो है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा सॉलिबिलिटी। इस पे बेस्ड आपके 10.6 इंटेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का, वो यही अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आगे पीछे करके आपको दिया जा सकता है। सरफेस एरिया देख के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आइसोमर्स पे जो बेस्ड है। देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए पहले RX की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। देर आर 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX हेलो एल्केन्स की, 3 है, जिनमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ए पार्ट आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल कौन है? नेगेटिव बॉडीज हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बॉडीज हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया है RX, मैंने यूज करा NU नेगेटिव,
मैं जानती हूँ ये एक्स भी नेगेटिव नेचर का है, तो हमने लिख दिया आर एन यू और निकाल दिया एक्स नेगेटिव। मगर ध्यान रखना बेटा, ऐसा थोड़ी है कि एक्स नेगेटिव एन यू नेगेटिव ये इसको सामने से अटैक करके हटा दे। दिस इज द वे वी आर राइटिंग ऑन पेपर, मगर एक्चुअली प्रैक्टिकली होगा कैसे? तो इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, एक कहलाता है SN2, जिसको हम बुलाते हैं सब्स्टिट्यूशन। कैसा सब्स्टिट्यूशन है ये? बाई मॉलिकुलर, दो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक। इसमें क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल एक ही टाइम में काम कर रहे हैं, आपका एल्काइल हैलाइड भी और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी एक ही समय में काम कर रहे हैं और एक ही बार में रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे मैंने OH नेगेटिव को एल्काइल हैलाइड पे यूज करा, तो पहली बात तो ध्यान रखना ये सेम डायरेक्शन में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव नेचर है और OH भी नेगेटिव है। तो एक इंटरमीडिएट सी कंडीशन आ गई, Cl टूट रहा है, OH जुड़ रहा है, कार्बन यहाँ पांच में दिख रहा है, तो ऐसा होना तो बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ये एक बीच में स्टेट बनती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, बट वी कैन नॉट सेपरेट इट। ये सेपरेट नहीं होगी, ये हाथों हाथ टूट जाएगी बहुत ही शॉर्ट वाइल में और Cl नेगेटिव इसमें से निकल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन OH नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल पे, एज वेल एज ऑन द Rx। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। काइनेटिक्स में ऐसे में जब रेट दोनों पे डिपेंडेंट हो तो इसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बायमोलिकुलर हो गई। दूसरी बात, सिंगल स्टेप में हो रही है, स्टेप एक ही लग रहा है। तीसरी बात, आपका न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड में आ रहा है जाने वाले से, तो इसे कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। और इसके लिए ऐसे भी बोला जाता है कि अम्ब्रेला इज टर्न इनसाइड आउट ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा चलने पे जैसे छाता पलट जाता है, ऐसे इसको एक कमेंट वर्ड में हम कह सकते हैं अम्ब्रेला अपसाइड या इनसाइड आउट ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, और ये सबसे आसान किस पे होगी? जो जितना हल्का होगा, क्योंकि वहां पे इस OH को आना आसान हो जाएगा। छोटे ग्रुप्स को तो धक्का देना आसान है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो CH3X में सबसे फास्ट, फिर जब ये 1 डिग्री हो जाए, इसके बाद 1 डिग्री का केस ले लेते हैं, 1 डिग्री में उससे थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, भाई एक तरफ कार्बन को धक्का देना है। 2 डिग्री के केस में और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दो तरफ के कार्बन को OH को धक्का देना है, और 3 डिग्री में और ज्यादा। तो याद रखिएगा, सबसे आसान जितना हल्का फुल्का, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, SN2 उतनी ही इजियर। मगर SN1 पे चले, SN1 मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, यानी कि इसके मेन स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जो मेन वर्किंग दिख रहा है। इसमें हम लेते हैं मेन 3 डिग्री वाले, जैसे ये लिया, इनकी पहचान है कि ये प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि एच पॉजिटिव वालों की प्रेजेंस में रिएक्शन तेजी से होती है। ये इसका पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस दिखाते हैं। इस प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये एच पॉजिटिव इस पूरे एक्स नेगेटिव को, इस हैलोजन को ले जाता है, ड्यू टू विच अ बिगर ग्रुप गेट कन्वर्टेड इंटू कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री अपने आप को कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश में लगा है, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन जाता है। हाईली स्टेबल होते हैं 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन दो वजहों से, इनके पास बहुत सारा प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप, और इसमें बहुत सारी तरफ है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाते हैं एंड वी कैन सेपरेट देम इनटू द सेकंड स्टेप। इसका मेन स्टेप पहला है, तो इस स्टेप को नाम दिया जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप पे आए, क्योंकि स्टेबल स्पीशीज थी मैंने इसे अलग कर लिया और अब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। न्यूक्लियोफाइल ये दोनों तरफ से आ सकता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सब तरफ से सेम एंगल पे चल रहा है। सो नाउ यू कैन गेट द प्रोडक्ट इन बोथ द क्राइटेरिया, दोनों ही तरफ से NU जुड़ सकता है। अगर पहले जैसा जुड़ जाएगा तो आप कहोगे अरे भाई रिटेंशन हो गई, पहले जैसा बन गया। अगर अपोजिट साइड जुड़ेगा तो आप कहोगे इन्वर्जन हो गई, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनने का क्या तरीका हो गया, कैसा प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हो गए, रेसमिक मिक्सचर, यानी कि सीधा भी मिल सकता है और उल्टा भी मिल सकता है। तो इस रिएक्शन की खास बात, रिएक्शन में रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है आर एक्स के, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप,
तो ये कैसी हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि सिर्फ एक पे डिपेंडेंट है। दूसरी बात, रिएक्शन टू स्टेप्स में हो रही है। तीसरी खास बात, रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर के चांसेस हैं दोनों तरफ से जुड़ने के। और ये रिएक्शन फास्ट किस पे है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और सबसे बेकार है एल्काइल हैलाइड पे। इस रिएक्शन को समझने के लिए कि कौन देगा SN1, याद रखिएगा जिसमें ज्यादा रेजोनेंस है वो देगा SN1, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है वो दे सकता है SN1, 3 डिग्री वाले दे सकते हैं, बेंजाइल ग्रुप दे सकते हैं SN1, अलाइल ग्रुप दे सकते हैं SN1, क्योंकि ये सब या तो कार्बोकेटाइन बनाते हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन देते हैं या रेजोनेंस दिखाते हैं। इसकी वजह से ऐसे ग्रुप SN1 को प्रिफर करते हैं। अगर मैं आपको दो नाम दे रही हूँ और पूछ रही हूँ इनमें से कौन SN1 देगा, तो आप देख लीजिएगा बेटा SN1 कौन देना चाहता है, जिनमें ज्यादा ये वाले क्राइटेरिया प्रेजेंट होते हैं, रेजोनेंस होती है, बेंजाइल में रेजोनेंस है, एलाइल में रेजोनेंस है। तो ये हमारा SN1 और SN2 का था, ये तो पहले मैकेनिज्म हुआ। अगर हम इसके ये देखते हैं कि कौन कौन SN1 देता है और क्या प्रोडक्ट बनता है, सो देयर इज अ गिवन टेबल इन आर बुक कि हमने ले लिया RX और उस पे NaOH एक्वस या KOH एक्वस, इनमें से किसी को यूज करा तो क्या बनेगा, ROH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। इतना आसान तो चलिए, एक्वस KOH आपको याद रखना है कि एक्वस KOH ये करता है। उसी के बजाय आपने ले लिया RONA, देन इन दैट केस यू विल बी गेटिंग दिस इज ईथर, और कौन सी रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। अगर आपने इसकी जगह ले लिया आई नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक तो आपको मिल गया RI। आपने ले लिया अमोनिया तो अमोनिया में एक HX निकल जाता है एंड यू विल गेट RNH2, जिसे कहा जाता है 1 डिग्री अमीन। आपने RX पे 1 डिग्री अमीन ही डाल दी तो फिर से एक HX निकल जाएगा, एक H और एक X, और आपको मिल जाएगा RNRH, जिसको हम कहते हैं 2 डिग्री अमीन। आपने अपने RX पे फिर 2 डिग्री अमीन डाल दी, अभी भी पॉसिबिलिटी है, आपको मिल जाएगा 3 डिग्री अमीन। तो कई तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप दिखा सकते हैं, पूरा टेबल दिया है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ये वाली चारों। अगर आप KCN डालें तो RCN, कार्बन बढ़ गया। आप AgCN डालेंगे तो RNC। आप AgNO2 का यूज करेंगे तो RNO2। मगर आप KNO2 का यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा RONO। इस तरह से चीजें होती हैं जिनमें ध्यान रखने की बात आती है। और अगर आप RX के ऊपर RCOOAG, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड यूज कर रहे हैं तो RCOOR बन जाएगा, जिसे हम नाम देते हैं एस्टर। दोनों R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। और जो ग्रुप दोनों डायरेक्शन से जुड़ते हैं बेटा, जैसे ये वाले ग्रुप है KCN, CN, NC, NO2, ONO, तो इन ग्रुप्स के लिए जैसे CN, NC हो गया या NO2, ONO हो गया, इन ग्रुप्स के लिए आप वर्ड यूज करते हैं एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनके पास दोनों तरफ के डोनर एटम्स होते हैं। फिर इसके बाद आपके जो सेकंड हेडिंग आती है RX की प्रॉपर्टी की, वो होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और बीटा एलिमिनेशन में आप याद रखना, आपका RX एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन दिखाता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी कि HX हटाएगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्कीन। जैसे मेरे पास ये है एल्काइल हैलाइड, मैंने एल्कोहलिक KOH यूज करा, सो आई विल बी गेटिंग द एल्कीन। बच्चों एल्कोहलिक KOH कई तरह से लिख के दे सकते हैं, जैसे C2H5OH विद KOH दे दिया, या NUS दे दिया, या C2H5OK लिख दिया। एक ही मतलब है, HX हटवाने का काम करवाना है। मगर कभी कभी HX हटाते हुए आपको दिक्कत आएगी कि कहाँ का X हटाएं। इस चीज के लिए आप यूज करते हैं बीटा एलिमिनेशन। मान लीजिए ये है और यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा, और जिसपे प्रेजेंट है वो अल्फा है। अब आपने सेम कंडीशन अप्लाई करी, सो इन दैट केस यू विल बी गेटिंग 2 प्रोडक्ट। दो तरफ बीटा है तो भाई 2 प्रोडक्ट आने के चांसेस हैं, एक ब्यूट 2-ईन और एक ब्यूट 1-ईन। आपको पूछा गया कि कौन मेजर प्रोडक्ट है, तो सेड्सफ रूल ने कहा था जिस एल्कीन में मोर सब्स्टिट्यूशन हो, यानी कि सब तरफ ब्रांचिंग ज्यादा हो,
वो मेजर है और जिसमें कम हो, देखिए बेटा कम ब्रांचिंग, तो उसे हम कहते हैं माइनर। तो सेट्ज़फ रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे कौन सी चीज है जो एलिमिनेशन में मदद करती है? दिस इज C2H5O-. तो एक पेपर में ये क्वेश्चन है कि इनमें से अच्छा कौन बेस है जो इसमें एलिमिनेशन कराएगा। तो आपको ध्यान देना है बेटा, जितना स्ट्रॉन्ग अच्छा बेस लोगे उतनी ही जल्दी एलिमिनेशन प्रोसीड हो जाएगी। थर्ड हेडिंग जो आती है RX की प्रॉपर्टी की, वो है विद मेटल, और दो मेटल का इस्तेमाल करेंगे। एक मेटल का नाम है Mg। अगर आपने RX पर Mg का यूज करा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसे कहते हैं RMgX या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के स्ट्रक्चर में दो तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, RMg के बीच कैसा बॉन्ड है और RMg और X के बीच कैसा बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड्स की पहचान होनी चाहिए। R और Mg का बॉन्ड, यहाँ पे अगर हम देखते हैं R और Mg और Mg और X, तो Mg और X तो एक मेटल और नॉन मेटल हो गए, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच ये वाला बॉन्ड कहलाता है आयनिक करेक्टर, जबकि R और Mg के बीच के बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, दूसरा रिलेटेड इस पे ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन आता है कि ग्रिग्नार्ड को प्रोटिक सॉल्वेंट वालों से, मतलब प्रोटॉन डोनर वालों से बचा के रखो, जैसे पानी वानी से, पानी हो गया, एल्कोहल हो गया, अमीन्स हो गया, पानी ही मत यूज करना, अमीन है, एल्कोहल है, जो सब एच दे सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी को भी डाला तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में। तो इनसे बचा के ग्रिग्नार्ड को रखते हैं। दूसरे मेटल का नाम है बच्चों सोडियम। इस रिएक्शन को नाम देते हैं वुड्स रिएक्शन, जो कार्बन को डबल कर देती है। तो अगर आपने छोटा सा CH3Br2Na और BrCH3 लिख दिया, तो सेम टू सेम R यूज करोगे तो एल्केन डबल कार्बन का बनेगा। मगर आपने गलती से मिक्सचर ले लिया, हर तरह के क्वेश्चन दिमाग में चलते रहे, अगर आपने यहाँ मिक्सचर ले लिया सो यू विल नॉट बी गेटिंग, ये ड्राई इथर की प्रेजेंस में होती है बेटा, तो एक ही प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यू विल बी गेटिंग मिक्सचर CH3CH3 C2H5C2H5 और साथ में एक प्रोडक्ट इन दोनों का भी मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस की जरा खराबी, लिमिटेशन ये है कि ऑड कार्बन के लिए भी ये प्रोसेस वैलिड नहीं है, क्योंकि एक आंसर नहीं आएगा। अब आपका मन था 3 का आंसर लाओ, तो आपने एक को एक कार्बन ले लिया और एक को दो कार्बन ले लिया, तो प्रोडक्ट खाली 3 नहीं बना, इसमें आपको 3 प्रोडक्ट मिले हैं, तो अच्छा प्रोसेस में नहीं है। अब लास्ट इसमें आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। इसको भी 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करा गया। पहली प्रॉपर्टी है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे? अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के लिए X को हटना पड़ेगा, मगर हमें याद है भाई ये तो काम बड़ा मुश्किल है, रिंग के ऊपर का X हटाना। क्यों मुश्किल हो जाता है रिंग के ऊपर का X हटाना? क्योंकि पहली बात तो ये याद रखना कि ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये प्लस R है, माइनस I है, रिंग से थोड़े से इलेक्ट्रॉन को माइनस I से वापस कर रहा है, ले रहा है, तो इसीलिए बेंजीन के ऊपर जब हेलोजन होता है इट इज कंसिडर्ड अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों मुश्किल है? वेरी लेस, ये लेस क्यों हो जाती है, बहुत मुश्किल क्यों हो जाती है? पहली बात, आपके R यहाँ स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो X है और कार्बन है इसमें रेजोनेंस चल रही है, और रेजोनेंस तो चीज को स्टेबिलिटी दे देती है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इस X को तोड़ पाए, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में बिजी है। दूसरी बात आपके आती है, जो कार्बन आपका बेंजीन रिंग के संग जुड़ा हुआ है, सॉरी जो हेलोजन आपका बेंजीन रिंग के संग जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मगर जब यही Cl किसी एल्काइल पे जुड़ा हुआ होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको रिमूव करना आसान है एज कंपेयर्ड इन केस ऑफ बेंजीन। क्या दिक्कत आ रही है? नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जिसकी वजह से आप एक और बात देख पाते हो, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। रेजोनेंस के समय Cl और C के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसको सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल है। थर्ड आती है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। फिनाइल का अगर आपने कैटाइन बना भी लिया, जैसे R का पॉजिटिव बनाया या फिनाइल का पॉजिटिव, तो वो हाईली अनस्टेबल है। सेल्फ आयनाइजेशन आप किसी तरह करवा भी दोगे तो वो हाईली अनस्टेबल है और बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। और लास्ट आता है आपका न्यूक्लियोफाइल।
और जो आपका बेंजीन रिंग जो हेलोजन को लिए बैठा है उसने भी ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे इतना नेगेटिव इकट्ठा कर रखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना बढ़ जाता है कि एनयू का आना मुश्किल हो जाता है। इन बातों की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन एक्स पे होनी बहुत मुश्किल होती है। फिर भी कुछ ड्रास्टिक कंडीशन लगा के आप ऐसा कर सकते हो। ये भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन है बेटा कि कौन सी कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल सबसे आसानी से आएगा। मान लो आपने सीएल लिया 623 केल्विन 300 एटीएम, यूज करा NaOH और HCl, दिस इज कॉल्ड द ड्रास्टिक कंडीशन, और फटाफट से सीएल की जगह OH आ गया। मगर हमने अभी अभी पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन मिलता है ऑर्थो और पैरा से, एनयू भी नेगेटिव ऑर्थो पैरा भी नेगेटिव हो रखे हैं। तो अगर मैं इन ऑर्थो पैरा जहां से लड़ाई बढ़ रही है उसको कम कर दूं तो मेरा काम कंपेरेटिवली थोड़ा आसान तो हो ही जाएगा। तो अब अगर मैं अपर कंडीशन ही लगाती हूँ, टेम्परेचर को हमने पहले 623 था, अब 443 केल्विन कर दिया फॉलोइंग द अपर कंडीशंस, ठीक है? तो आप देखो टेम्परेचर कम कर दिया, अब OH का आना पहले से थोड़ा आसान तो हो गया क्योंकि आपने एक नेगेटिव रिपल्शन की जगह को NO2 पॉजिटिव से क्या करा है, रोक दिया है, वहां से रिपल्शन को कम करवा दिया। अब आपने इसी Cl को रखा मगर NO2 दो बार लगा दिया, दो जगहों को ब्लॉक कर दिया रिपल्शन से। तो अपर कंडीशंस को फॉलो करते हुए अब आपने टेम्परेचर 368 केल्विन कर दिया, आपका काम देखो आसान होता गया। ये पेपर में आया है ना कि किस केस में काम मतलब सबसे इजीली हो जाएगा, तो काम आसान हो गया। अब आपके मन में आया भाई अब आसान हो गया तो चलो एक बार और कोशिश कर ले, सारी ही जगह ब्लॉक कर देते हैं। सारी ही जगह अगर आपने रिपल्शन की ब्लॉक कर दी, यानी कि दोनों ऑर्थो भी और पैरा भी, और अब आप सिर्फ इस पे यूज करो वार्म वाटर, सिर्फ वार्म वाटर यूज करने से ही सीएल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ जाएगा, ठीक है? यह हमारा आसानी से इस वक्त आ गया। तो रेजोनेंस भी बढ़ जाती है जैसे जैसे आप NO2 को बढ़ाते जाते हो, क्योंकि NO2 खुद भी एक पाथ देता है ना इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करने के लिए। सेकेंड आती है आपकी रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में आपके पास फिर वही से Mg आता है, Mg के संग तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली ही रिएक्शन होगी। मगर आप अगर सोडियम लेते हैं, बेंजीन एक्स, वही आपने सोडियम लिया जैसे बिल्कुल आपने वुड्स कराई थी, वही ड्राई ईथर ले लिया साथ में, सेम रिएक्शन, एंड इन दिस केस यू विल बी गेटिंग द टू फिनाइल ग्रुप्स अटैच्ड वन आफ्टर द अदर, ठीक है? आपको दोनों फिनाइल एक संग जुड़े हुए मिल जाते हैं, दोनों अराइल एक संग आ जाते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज द फिटिक रिएक्शन। मगर आप थोड़ा सा वुड्स का हिस्सा और थोड़ा सा फिटिक का हिस्सा ले लो, एक आर ले लिया और एक रिंग, सेम कंडीशन को फॉलो करते हुए क्या आ गया भाई, थोड़ा सा एल्काइल पार्ट और थोड़ा सा अराइल दोनों मिक्स हो गए, तो इस रिएक्शन को नाम दे दिया आपने वुड्स फिटिक रिएक्शन। होंगी ये भी ड्राई ईथर के संग ही, तो सिंपल बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है जैसे हमने वुड्स पढ़ी। थर्ड जो बेंजीन रिंग से रिलेटेड रिएक्शंस आती हैं वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक्स होता है ये एक डीएक्टिवेटिंग स्टेट है, ठीक है? जैसे सीएल लगाए, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये प्लस आर दिखाते हैं मतलब बेंजीन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं कॉन्जुगेशन की तरफ, ये माइनस आई भी है क्योंकि हैलोजन्स का अपना नेचर कैसा है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को माइनस आई इफेक्ट से लेते हैं, तो ये डीएक्टिवेटिंग इसी वजह से जाने जाते हैं। मगर आप इस पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का इस्तेमाल करें तो ये बुलाएगा उसे कहाँ पे, बुलाएगा तो ऑर्थो पे और पैरा पे, जिनमें हमेशा आपका पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। मान लीजिए आप क्लोरीनेशन करा रहे हैं, क्लोरीन इन एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव एक बार ऑर्थो पे आ जाएगा और दूसरी बार कहाँ आ जाएगा, पैरा पे। मगर याद रखना बार बार कहना पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। अब आपने अगली रिएक्शन कराई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में आप एल्काइल ग्रुप भेजेंगे जैसे CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इस बार आपका इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव है, आपने बेंजीन रिंग लिया,
सीएल है, एक बार सीएच थ्री ऑर्थो पर और एक बार सीएच थ्री कहाँ आ गया, पैरा पर. फिर आपने बोला पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट. थर्ड केस है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जहां पे आप असाइल ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे सीएच थ्री सीओ सी एल. बच्चों असाइल ग्रुप जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज सी एच थ्री सीओ पॉजिटिव. रिएक्शन विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री. अब की बार एक बार ऑर्थो पे आ जाएगा सीओ सी एच थ्री, एक बार ऑर्थो पे और साथ ही साथ एक बार सीओ सी एच थ्री पैरा पे. वैसे सीओ सी एच थ्री सब कीटोनिक पार्ट ना, एसिटोफिनोन जैसा ग्रुप बन रहा है. नेक्स्ट आता है नाइट्रेशन. आपने यूज करा एच एन ओ थ्री साथ में एच टू एस ओ फोर कॉन्सेंट्रेटेड. ये रिएक्शन नाइट्रेशन कहलाती है और इसमें एनओ टू पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल. तो आपके सीएल के संग एक बार एनओ टू ऑर्थो पे, एक बार वही एनओ टू पैरा पर. ठीक है. और लास्ट रिएक्शन, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो आती है वो कहलाती है सल्फोनेशन, जहां पे आप इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर हीट का. यहाँ एस ओ थ्री एच आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है. तो सेम क्लोरोबेंजीन को ले लो और क्लोरोबेंजीन के संग एक बार एस ओ थ्री एच ऑर्थो पे और एक बार एस ओ थ्री एच आपका आ जाता है पैरा पे. यहाँ पे हमारे आर एक्स और रिंग एक्स इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज कंप्लीट होंगी एनसीईआरटी में. क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं एनसीईआरटी के. अच्छा, ऐसे भी पूछते हैं कि एनओ टू, जैसे हमने अभी ऊपर रिएक्शंस करी थी ये वाली, इसमें मेटा पे एनओ टू लगाने से फायदा क्यों नहीं है. बेटा क्योंकि एनओ टू एक इलेक्ट्रोफाइल है और वो उन्हीं जगहों पे जाके हम ब्लॉक करवाना देख रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है. मेटा पे तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दिखाते, इसीलिए एनओ टू का मेन फंक्शन जो दिखाया गया इस रिएक्शन में दैट इज ओनली एट ऑर्थो और एट पैरा. अदर देन दिस, इस चैप्टर में हमारे एक छोटा सा टॉपिक आता है स्टीरियो आइसोमेरिज, जिसको आपने मेन कायरल कार्बन और इन टर्म्स में पढ़ना है. तो उसके मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा. स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब आप पढ़े, दिस इज द पार्ट विच इज गिवन इन बिटवीन द चैप्टर. स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स जब आप पढ़े तो इसमें मेन मेन वर्ड याद रखने हैं, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट को लाइट कैसे रिप्रेजेंट होती है. तो प्लेन पोलराइज लाइट, जब हम मल्टी डायरेक्शनल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं और उसे सिंगल डायरेक्शन कर देते हैं, दैट इज द प्लेन पोलराइज लाइट. फिर पोलैरिमीटर से इस लाइट को पास करा जाता था और ये देखा जाता था कि अब ये लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. अगर ये राइट में मूव करती है तो इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी वर्ड बोलते थे, अगर ये लेफ्ट में मूव कर जाती थी, ओरियंट कर जाती थी, तो लीवो रोटेटरी. अगर ये जैसी थी वैसी ही रहती है तो हम कहते थे कि इस पोलैरिमीटर के ट्यूब में जो सॉल्यूशन यूज करा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. भाई जो लाइट को घुमाएगा उसके लिए टर्म यूज करिए ऑप्टिकली एक्टिव, और जो नहीं घुमाएगा वहां पे क्या टर्म यूज करेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव. इस टॉपिक को रिवाइज करते हुए एक कायरल का मतलब पता होना बहुत जरूरी है. कायरल इज एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं और जिसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. ठीक है, कायरल कार्बन पहचानो, इस तरह के क्वेश्चन है सैंपल पेपर में. असिमेट्रिक कार्बन देखिए, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मॉलिक्यूल को आप काट रहे हैं तो उसके दोनों साइड सेम है या नहीं है. इसमें एक टर्म आ रहा है एनेंशियोमर. एनेंशियोमर क्या है, एनेंशियोमर एनोमर्स ये टर्म्स ये देते हैं. एनोमर्स आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, कार्बन वन पे चेंज इन पोजीशन ऑफ ओएच. मगर एनेंशियोमर जब आप पढ़े तो याद रखना बेटा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज यहाँ की बात होती है. इनका एक बहुत पुराना बोर्ड का क्वेश्चन है कि इनकी सारी आदतें सेम होती हैं, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल. ठीक है, जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, सॉलिबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब सेम होंगी, बस उनमें किस चीज का डिफरेंस होता है. एनेंशियोमर्स किस चीज में डिफर करते हैं, डिफर इन ओरिएंटेशन या मूवमेंट. मूवमेंट हम कहेंगे रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. डिफरेंस होता है, अगर एक डी है तो दूसरी फॉर्म क्या होती है, एल. इस टॉपिक पे से पढ़ते हुए लास्ट याद रखना रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन. ये तीन टॉपिक क्या है. रेसिमाइजेशन क्या है बेटा, 50% L 50% D.
तो racemic mixture को DL कहते हैं. जैसे retention, inversion, इनको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल से आपको दिखाती हूँ. मेरे पास एक कार्बन है जिसके चार साइड है, मान लीजिए इसके इस साइड X है. आपने Y नाम का कोई न्यूक्लियोफाइल भेजा है, ठीक है, जहां X है वहीं Y आ गया. तो आपने कहा ये रिटेंशन का केस है, सेम टू सेम. अगर आपने ये पलट के दूसरी साइड लगा दिया तो आपने इसे बोला ये इन्वर्जन का केस हो गया, डाला वाई ही रहे हैं. मगर मान लीजिए एक ऐसा केस बना जिसमें अगर ये ए फॉर्म नाम दिया, इसको बी दिया, अगर ए और बी दोनों ही बन गए 50-50% ईच, तो आप इस मिक्सचर को क्या नाम देंगे? racemic मिक्सचर. और ऐसे मिक्सचर को बनाना racemization कहलाता है. अगर हम racemic मिक्सचर का रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसे DL और प्लस माइनस लिखते हैं. बच्चों जो डेक्स्ट्रो होता है, डेक्स्ट्रो राइट में घुमाने वाला होता है, इसे D या पॉजिटिव कहा जाता है. और जो लीवो होते हैं, लीवो जो लेफ्ट होते हैं, उन्हें L या माइनस भी बुलाते हैं. तो इसीलिए racemic मिक्सचर को DL और प्लस माइनस के रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट लेसन वन. लेसन वन की समरी फॉर्म है ताकि आप ऑब्जेक्टिव पेपर में गलतियां ना करें. इसको इस फॉर्म में एटलीस्ट एक दो बार रिवाइज करें, ठीक है. फिर अपने डाउट साथ में और बता दीजिए. करिएगा सैंपल पेपर ही, खूब सारे सैंपल पेपर करिए, डिफरेंट मटेरियल्स करिए.